नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बताएंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और बैचलर ऑफ मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इन दोनों परीक्षाओं के जो बैक पेपर की तिथि है और कब से उसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है और कब तक पूरे करने हैं और इसके विषय में कब तक इसकी हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय को जमा करना है, इसी के विषय में आज बात करेंगे। जो नोटिफिकेशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की वेबसाइट, जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर है, वही नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे और बताएंगे इसमें किस डेट से कब तक क्या करना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन दिनांक 8/1/2021 का है, जो अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है, उसमें कहा गया सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि कुलपति महोदय के आदेशानुसार बैचलर ऑफ BLIB बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस 2020 की बैक पेपर की परीक्षाएं अति शीघ्र कराई जानी है। इस हेतु तो ऑनलाइन परीक्षा का आवेदन फॉर्म 9/1/2021 से 18/1/2021 तक भरा जाएगा। तत्संबंधी महाविद्यालयों की अपेक्षा की जाती है कि पूरित आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन वेरिफिकेशन दिनांक 19/1/2021 से तथा करते हुए लॉगिन में उपलब्ध चालान में वर्णित विवरणानुसार शुल्क परीक्षा शुल्क दिनांक 20/1/2021 तक जमा कराना सुनिश्चित करें। यानी कि आपका फॉर्म जो ऑनलाइन होगा 9/1 से 18/1 तक, उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन सत्यापन है 19/1/2021 को, और उसके शुल्क के साथ जो जमा होगा, जो शुल्क जमा करेंगे आप 20/1/21 तक। उसके बाद है आपका कि परीक्षा शुल्क जमा किए जाने के उपरांत शुल्क का लेखा विभाग के सत्यापन कराकर कॉलेज लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करें। सत्यापित परीक्षा शुल्क की रसीद कॉलेज लॉगिन में अपलोड न किए जाने की स्थिति में जांच एवं प्रवेश पत्र निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। परीक्षा आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों के साथ परीक्षा विभाग में दिनांक 21/1/2021 तक जमा कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में यह अपेक्षा की जाती है कि पूर्व परीक्षा आवेदन पत्रों का स्वयं सूक्ष्मता से निरीक्षण कर लें। नाम, पिता के नाम एवं अर्हता संबंधित त्रुटि होने पर संबंधित छात्र एवं महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी कि आप और जिस महाविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसलिए अपना ये जो भी आपकी कमियाँ लगें एक बार दो बार उसको रीचेक करके उसके बाद आप अपलोड करिए। परीक्षा नियंत्रक के द्वारा ये नोटिस निकाला गया है। तो अगर आप भी BLIB और MLIB के बैक पेपर भरने की सोच रहे हैं और आपको भरना है तो आप इन तिथियों का अनुसरण करते हुए आप बैक पेपर का फॉर्म भर दीजिए। जानकारी अगर यूजफुल लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। इससे संबंधित, इस महाविद्यालय से संबंधित जितनी भी नोटिफिकेशन होगी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा।